तो नमस्कार दोस्तों, आज हम ह्यूंडई की वेन्यू IMT के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप लोग मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, CVT और DCT जो कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये IMT क्या है? तो IMT का जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे ह्यूंडई ने फर्स्ट टाइम इस टेक्नोलॉजी को वेन्यू के साथ इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। तो पहले जानते हैं कि IMT है क्या। तो IMT एक दो पेडल क्लचलेस सिस्टम है, जिसे मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स सेटअप का हाइब्रिड सिस्टम कहा जा सकता है। इसमें ड्राइवर को कन्वेंशनल मैनुअल गियरबॉक्स की तरह ही इसमें गियर बदलनी पड़ती है, लेकिन इसमें गियर बदलने के दौरान क्लच पेडल की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ह्यूंडई के अनुसार IMT गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी गियर लीवर के साथ एक इंटेंशन सेंसर का यूज करती है। तो जब ड्राइवर गियर बदलने वाला होता है तो सेंसर जो है इसकी सूचना TCU को देता है, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट को देता है। इसके बाद TCU जो है वो क्लच प्लेट को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए हाइड्रोलिक एक्चुएटर को सिग्नल देता है और ड्राइवर जो है वो गियर बदलता है। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है वो सब गियर बदलने से पहले ही होता है। तो दोस्तों, IMT क्या है, होप सो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी रहा वेन्यू के चेंजेस के बारे में, तो इस गाड़ी में आपको एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी सिवाय रेड लाइनिंग के। इसके जो ग्रिल के साइड में आपको रेड कलर की प्लस साइन देखने को मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि ये जो गाड़ी है ये टर्बो पेट्रोल IMT वेरिएंट की है। बाकी गाड़ी के साइड में भी आपको बहुत जगह आपको रेड लाइनिंग देखने को मिल जाएगा। और रही बात इसकी इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको जो कंट्रोल नॉब वगैरह है वहाँ पे आपको रेड लाइनिंग और कई जगह आपको रेड स्टिचिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको डी कट में मिलेगा, जैसे आपको ह्यूंडई क्रेटा में मिलता है, आपको सेम स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और IMT का जो बेजिंग है वो आपको गाड़ी के सी पिलर और गाड़ी के फेंडर में आपको देखने को मिलेगा। तो करेंटली वेन्यू आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-speed DCT टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिल रहा है। और वेन्यू IMT जो है आपको 1.0 liter टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलेगा। और IMT जो है वो दो वेरिएंट में आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, एक है SX और एक तो है SX ऑप्शनल। तो रही बात इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो माना जा रहा है कि इसका जो प्राइस होने वाला है SX का वो है 9.99 lakh और SX ऑप्शनल का 11.08 lakh, ये एक शोरूम प्राइस है। बाकी ह्यूंडई अपने वेन्यू स्पोर्ट्स मॉडल को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइसिंग होने वाला है 10.20 lakh से शुरू होके 11.52 lakh के बीच में। तो देखने वाली बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर आप इसको फॉर्मेट एक तो बोल सकते हैं, तो ह्यूंडई फर्स्ट टाइम रिप्लेस कर रहा है, तो इंडिया में इसका जो रेस्पॉन्स है वो कैसा रहेगा और लोग क्या सोचते हैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो इस टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन ह्यूंडई वेन्यू IMT को लेके। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।